मुझे फोटोज़ और वीडियोस खींचना काफ़ी पसंद है और अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे द मास्क नाम का ये वाला रील शेयर करा था, बहुत प्यार दिया था आप सब लोगों ने, कैसे ये वाला वीडियो मैंने बनाया था उसके BTS बिहाइंड द सीन्स आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पसंद आएगा ये वाला वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा। रील का जो कॉन्सेप्ट था डबल फेसेड गर्ल यानी मिस्टीरियस यानी मास्क्ड गर्ल, इस हिसाब से मैंने 2-3 गानों में से सिलेक्ट किया। एक हसीना थी मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग फ्रॉम द ओल्डेड टाइम्स, इसके लिरिक्स यहाँ पे हैं जिनको मैंने थोड़ा ऊपर थोड़ा फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा इस तरीके से मिक्स आउट करा। उसके बाद में सिल्वेट्स थे इसमें और उस हिसाब से मैंने कुछ सिल्वेट्स क्रिएट करे हैं। लेकिन डायरेक्टली फिल्मिंग से पहले कुछ जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें जो यूज़ होने वाली थी जैसे मास्क, तो मैंने मास्क हाथ से ही बनाया था। कुछ ऐसे इस तरीके से राइनस्टोन वाले स्ट्रिप्स ली थी, कुछ ऐसे लेसेस मिल जाते हैं वो मैंने ओर्स करे थे मेरे मदर इन लॉ से, और एक मास्क बना था और फेवी बॉन्ड। आप लोग पूछते हैं किससे मैं चिपकाती हूँ, तो फेवी बॉन्ड से। सो घर में ये एक अम्ब्रेला छोटी सी पड़ी हुई थी तो इसको भी मैंने गोल्डन लेस से कवर अप कर दिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा गोल्डन इफेक्ट भी चाहिए था। इनफैक्ट मुझे गोल्डन यानी कि ग्लैम्ड अप लुक चाहिए था इस वीडियो के लिए, इस वीडियो रील के लिए। तो हियर इट गोज लाइक दैट। सो कुछ डेकोरेटिव आइटम से जो प्रॉप्स बना लिए हैं, इसके बाद में मैं बैकग्राउंड क्रिएट करने वाली हूँ। तो सिल्वेट्स देने हैं तो यहाँ पे रेड थीम के हिसाब से, रेड इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ना डार्क फेस भी दिखाना है इस रील के थ्रू, इस गाने में है। जिस हिसाब से मैंने एक प्लेन सैटन की साड़ी थी मेरे पास में लंबी सी, वो मैंने ली है और इसको ये नया वाला जो बैकग्राउंड स्टैंड मैंने लिया है, लिंक मैं मेंशन आउट कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मैंने लिया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सैटन की साड़ी आप खरीदते हैं ना, ज़्यादा सस्ती पड़ती है सैटन के बैकग्राउंड से, ये मैंने थोड़ा सा रिसर्च के वक्त मैंने ध्यान दिया। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ ले ली है, ओ ये गिर गया, होता रहता है। इसके साथ में मैंने क्लिप्स भी लिए हैं, दो बड़े स्टर्डी से क्लिप्स हैं, वो भी मैं इनकी लिंक्स मेंशन आउट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग पूछते रहते हैं कि वीडियोज़ और फोटोज़ कैसे लिए हुए हैं, खुद ही क्लिक करते हो कैसे? हाँ, मैं खुद क्लिक करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ वीडियोज़ को, और यहाँ पे इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में BTS शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एक्चुअली फिल्मिंग कैसे हो रही है, तो आप लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए। तो यहाँ पे ये जो कर्टन है यानी कि साड़ी है तो फुल लेंथ में नहीं हुई, लेकिन मैं इसको खींचूंगी और ये फुल लेंथ की हो जाएगी। और यस गाइस, अभी तक ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ में ये जो रील मैंने बनाया हुआ है वो भी शेयर करूंगी, कुछ फोटोज़ भी शेयर करूंगी। सो मैं जो क्लिप्स बोल रही थी वो इस तरीके के सेट में थे, 6 के सेट में, वो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी ताकि ये जो कर्टन है सैटिन की जो साड़ी है इनफैक्ट वो अच्छे से स्टिक हो जाए यानी कि प्लेस हो जाए इस स्टैंड के ऊपर, जो मेरा बैकग्राउंड है वो अच्छे से बन जाए। नेक्स्ट सिल्वर शॉट के लिए मैंने पीछे एक लाइट रख दी है। इसके बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैं जब सोच रही थी कि और क्या किया जा सकता है, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो नेल्स हैं वो बहुत ही प्लेन से दिख रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा ग्लैम्ड अप लुक देना चाहिए। स्टिक ऑन नेल्स लिए, इसके ऊपर भी मैंने सेम राइनस्टोन से सारे के सारे 10 उंगलियों के लिए मैंने ये नेल्स बना लिए और ये आप लुक देखिएगा बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके बाद में जो कलर्स अफोर्डेबल रेट में अगर आपको लाइट चाहिए तो जेलेटिन पेपर ले लीजिए, और यहाँ पर मेरा पूरा पसारा पड़ा हुआ है जो जो प्रॉप्स मैंने यूज़ करने हैं। And here I am. सो आफ्टर एवरीथिंग इज़ डन, मैंने यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए 9:30 बजे रात के, खाना पीना खाने के बाद में मैं ये फिल्म शूट करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने सेम नेल्स यहाँ पे स्टिक कर लिए हैं और फिंगर्स को इस तरीके से एक स्टिकिंग टेप से सजाया हुआ है। वीडियो के लिए लाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो लाइट्स को बैकग्राउंड में रखते हुए मैं यहाँ पे फ्रंट में, कैमरा भी साइड में, तो यहाँ पे कुछ सिल्वर्ट्स मैंने एक वॉल के ऊपर दिए हुए हैं और कुछ पर्दे के ऊपर। फिल्मिंग के इन बिटवीन में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ मेरे मेकअप और कॉस्ट्यूम के बारे में। तो आप ये तो फिंगर्स मेरे ऑलरेडी देख लिए हैं कैसे मैंने इसको सजाया है, प्लस जो मेकअप किया हुआ है वो ग्लॉसी और थोड़ा सा शिमरी सा ही दिया हुआ है ताकि ग्लैम्ड अप लुक दिख सके। दो आउटफिट्स मैं पहनने वाली हूँ इसमें, पहले तो जंपसूट है अगेन ब्लिंगी सीक्वेंस वाला, इसके बाद में मैं क्या पहनती हूँ आगे आप देख लीजिएगा। राइट नाउ आई एम जस्ट लविंग माई मेकअप एंड द होल थिंग दैट आई एम कैरिंग ऑन माई सेल्फ। सो ड्यूअल स्टेजेस हैं, दो स्टेजेस हैं, दो आउटफिट्स के लिए दो मास्क। जो पहला मास्क है वो ज़्यादा कवर करेगा आपके फेस को यानी कि आप जो है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, और जो सेकंड स्टेज है उसमें थोड़ा थोड़ा आप आपकी असलियत एक्चुअली पता चल रही है। सो रात के 11 करीबन बज रहे हैं, सेकंड ड्रेस में मैंने ये साड़ी डाली है उसी जंपसूट के ऊपर और थोड़ा सा स्लीक बनाया है, और
यस, हियर आर द इयररिंग्स। और अब मैं मास्क पहनने वाली हूँ जो मैंने खुद के हाथों से बनाए हैं। मैंने एक उंगली का ना एक नेल निकाल दिया है सो दैट इट गेट्स ईजी फॉर मी, बिकॉज ना सब चीज़ें इसमें सितारे सितारों में सब चीज़ें चिपक रही थी और उलझ रही थी। इनफैक्ट अभी भी ये उलझा ही हुआ है। इसको मैं सीधा करती हूँ। गाइज, अभी तक आप लोगों को ये प्रोसेस पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। आई एम श्योर कि जो आउटकम आने वाला है ना, क्योंकि मैं तो नहीं जानती क्या आउटकम आने वाला है, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि आउटकम बहुत ही धांसू होने वाला है, सीरियसली। बिकॉज बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी, बहुत महीनों से ये वाला प्रोजेक्ट सोच रही थी कि मैं मास्क थीम के ऊपर मैं कुछ बनाऊँ। और हाँ, थोड़ा सा जो उलझन थी वो मिट गई है। Here it goes, beautiful it is looking। और ये ठीक से जाना भाई, ऐसे आएगा। Wow, isn't it looking so beautiful? Please don't mind my white hair, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं मस्कारा चला लूँगी उसके ऊपर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पिन विन मार देती हूँ and that will be enough। और ये ऊपर जाएगा, wait। सो गाइज, क्रिएटिविटी तो खुद की है, खुद के ऊपर डिपेंड करता है आप किस हिसाब से एक मास्करेड थीम को एलिवेट कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने सोचा वो मास्करेड थीम मींस दैट यू डू नॉट वांट टू शो योर ओरिजिनल कलर्स या फिर यू वांट टू हाइड फॉर सम कॉज। तो यहाँ पे ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है वो एक हसीना थी, ऑलरेडी हैव टोल्ड। तो उसी बेस पे मैं ये कॉन्सेप्ट को आगे लेके गई फॉर दिस रील। ये जो है ये वाले कहाँ गए? ओके, ये आने वाले ऊपर इस तरीके से। ये जो दूसरा है वो भी आएगा ऊपर इस तरीके से। हो, प्लीज डोंट माइंड माय स्वेटी फेस गाइस, मेहनत तो करनी पड़ती है। ओके, लाइक दिस। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा उलझन बहुत है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी एक पिन लगा लूंगी मैं। सो दिस इज एक्चुअली डन। थोड़ा सा मैं ना रेड लिपस्टिक लगाऊंगी बिकॉज टू गेट द डेविलिश लुक। ऐसे हाँ, उसी पर चलेगा है ना, पहले ज्यादा अच्छा लगा था ना। मीन दिस इज लुकिंग गुड। लिपस्टिक लग गई थी यहाँ पे, लाल लाल हो गया क्या? हैवी लाइट्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ वो, और प्लस ये येलो जेलेटिन पेपर जो मैं कैमरा के लेंस के ऊपर रख दूँगी, इफ़ेक्ट ही अलग आ जाएगा। जो आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आप जेलेटिन पेपर ले लीजिए और यूज़ करिए लाइट और जेलेटिन पेपर। अभी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल कलर इफ़ेक्ट और लाइट इफ़ेक्ट आया हुआ है यहाँ पे। और एक्स्ट्रा पसारा मैंने किया हुआ जो कारपेट है, रेड कारपेट, उसी को मैंने ऊपर सोफे के ऊपर डाल दिया। और क्योंकि एक डेविल कैरेक्टर है जो मैंने अभी प्ले करा है, जो पानी में मैंने दिखाना है कि मैं पॉइजन मिक्स कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो रोज़ है उसी के अंदर स्केचपेन के जो पीछे के कलर लिड रहती है ना, उसको काट के इसके अंदर डाल दिया और घोलने के बाद में जो नॉर्मल कलर ऑफ द वाटर है उसको रेड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मीठी छुरी बोलते हैं ना, बस वैसा ही कैरेक्टर ही है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरी टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटिंग टू दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। अब एंजॉय करो फोटोज और वीडियो को।